गोरखपुर जिले में मंगलवार को 65 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें शहर के 40 लोग शामिल हैं, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज हैं। संक्रमितों में पूर्व राज्य मंत्री, आरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र के 8 महिला प्रशिक्षु, कांस्टेबल, एडीएम सिटी का होमगार्ड, एसडीएम सहजनवा का अर्दली, एम्स के मेस में तैनात एक कर्मी शामिल है। इसके बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1207 हो गई है। इनमें 602 ठीक होकर घर जा चुके हैं, 26 की मौत हो चुकी है, जबकि 579 मरीजों का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक एडीएम सिटी के यहां ड्यूटी कर रहा होमगार्ड मंगलवार को संक्रमित मिला है। गार्ड मूलतः भटहट के पिपरी गांव का रहने वाला है। उसकी तबीयत कुछ दिन पहले खराब हुई थी, परिजन निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे, कोई सुधार नहीं हुआ तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर जांच हुई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा एसडीएम सहजनवा का अर्दली भी पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा शाहपुर में, रुस्तमपुर में 2, कोकहा टोला में 1, हिमायपुर में 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, इनमें एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। वहीं धर्मशाला में 2, वसुंधरा एनक्लेव मजगावा गंगानगर उर्दू बाजार पादरी बाजार हरिओम नगर मोहद्दीपुर बसारतपुर में 1-1 पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा साहबगंज में 2, हासोपुर में दीवान बाजार में 2, गोलघर सिद्धार्थ एनक्लेव समारोह शाहपुर सेसपुर अलहदादपुर गोपालपुर सिविल लाइन्स कृष्णानगर आदित्य नगर सूर्य विहार मिर्जापुर में 1-1 संक्रमित मिले हैं, जबकि विकास नगर में 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की कोरोना जांच कराई जाएगी। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।